Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is UAPA. हम जानेंगे UAPA के बारे में, पहले भी इसे consider कर रखा है. The Home Ministry had notified Khalistan Tiger Force and Jammu and Kashmir Ghaznavi Force as terrorist organization under the Unlawful Activity Prevention Act. जो होम मिनिस्ट्री है उन्होंने नोटिफाई किया है कि जो आपका खालिस्तान टाइगर फोर्स है और जम्मू एंड कश्मीर गजनवी फोर्स, ये दोनों ही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के अंतर्गत. इट ऑल्सो नोटिफाइड एलिस खालिस्तान ऑपरेटिव हरविंदर सिंह संधू अलायस रिंडा एज ए टेररिस्ट बब्बर खालसा इंटरनेशनल. और उन्होंने नोटिफाई किया है कि जो एलिस खालिस्तान ऑपरेटिव हरविंदर सिंह संधू का जो अलायस है रिंडा, वो भी टेररिस्ट है. अब टोटल जो है 44 डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फर्स्ट शेड्यूल में आते हैं इस एक्ट के. यह अनलॉफुल एक्टिविटी होता क्या है? It refers to any action taken by an individual or association intended to disrupt the territorial integrity and sovereignty of India. जो unlawful activity है ये refer करता है कोई भी action जो कि लिया गया हो किसी भी individual या association के द्वारा जिसका मकसद हो disrupt करना territorial integrity को या sovereignty को भारत के, उसी को unlawful activity माना जाएगा. UAPA को पास किया गया था 1967 में. इसका मकसद है कि इफेक्टिवली प्रिवेंट किया जा सके अनलॉफुल एक्टिविटी एसोसिएशन को भारत में. एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड टू बी इन्वॉल्व इन टेररिज्म, जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसको माना जाए कि वो इन्वॉल्व है टेररिज्म में, अगर वो कमिट करेंगे या पार्टिसिपेट करेंगे जो एक्ट है टेररिज्म का, अगर वो तैयार करेंगे टेररिज्म को या प्रमोट करेंगे या बढ़ावा देंगे टेररिज्म को या अदरवाइज इन्वॉल्व होंगे टेररिज्म में, तो उनको माना जाएगा कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इन्वॉल्व है टेररिज्म में. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बायो इंजीनियरिंग टू फाइट क्लाइमेट चेंज. तो हम जानेंगे जो बायो इंजीनियरिंग की बात कही गई है ताकि लड़ा जा सके क्लाइमेट चेंज से. लिविंग कार्बन अ सैन फ्रांसिस्को बेस्ड बायोटेक फर्म हैज प्लांटेड जेनेटिकली मॉडिफाइड पॉपुलर ट्री दैट ग्रो वुड एट मच फास्टर रेट एंड एब्जॉर्ब मोर CO2 देन नॉर्मल ट्री. जो लिविंग कार्बन है जो कि आपका एक सैन फ्रांसिस्को बेस्ड बायोटेक फर्म है, उसने प्लांट किया है जेनेटिकली मॉडिफाइड पॉपुलर ट्री को जो कि ग्रो करता है वुड को काफी फास्टर रेट में और एब्जॉर्ब करता है ज्यादा CO2 को नॉर्मल ट्री के कंपेरिजन पे. द कंपनी यूज ए टेक्निक नोन एज जीन गन मेथड टू इंसर्ट फॉरेन जीन इन टू द ट्री क्रोमोसोम. कंपनी जो है वो उपयोग कर रही है एक टेक्निक को जिनको उन्होंने कहा है जीन गन मेथड, ताकि वो इंसर्ट कर सके फॉरेन जीन को ट्रीज के क्रोमोसोम पे. लेकिन खतरा क्या है? क्रिटिक्स हैव वॉर्न्ड दैट दे कुड बी अ ग्रोइंग थ्रेट टू फॉरेस्ट बायोडायवर्सिटी एंड द गवर्नमेंट हैड अलॉट द ट्रीज टू इवेट रेगुलेशन. क्रिटिक्स का मानना है और उन्होंने वार्निंग दिया है कि जो ग्रोइंग थ्रेट है ये खतरा है फॉरेस्ट के बायोडायवर्सिटी के लिए, और जो गवर्नमेंट है उन्होंने एलो किया ट्रीज को कि ये इवेट करे. टू डेट द ओनली कंट्री वेयर लार्ज नंबर ऑफ GM ट्रीज हैव बीन प्लांटेड इन चाइना. और अभी तक क्या इकलौता कंट्री जहां पे बहुत ज्यादा नंबर में जेनेटिकली मॉडिफाइड ट्रीज जो है जिसको प्लांट किया गया वो चाइना है. नेक्स्ट टॉपिक हमारा छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती 2023. तो जो छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती था इसके बारे में हम जानेंगे, फिर छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में भी हम जानेंगे. शिवा जयंती ऑल्सो नोन एज छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती वाज ऑब्जर्व रिसेंटली. अभी हाल ही में शिव जयंती या छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती को ऑब्जर्व किया गया था. ये जो डे था इसको सेलिब्रेट किया गया था ग्रेट चिल और फर्वर के साथ स्पेशली महाराष्ट्र में. छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती, छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ ग्रेट मराठा एम्पायर छत्रपति शिवाजी महाराज. तो छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती है यह मार्क करता है बर्थ एनिवर्सरी को ग्रेट महाराजा एम्पायर छत्रपति शिवाजी महाराज का. द मेन ऑफ द डे इज टू ऑनर द ग्रेट वैरियल रोल इन रिस्टोरिंग द मराठा एम्पायर एंड टू सेलिब्रेट इट वास्ट लीगेसी. मेन मकसद है इस दिन का कि ऑनर किया जा सके ग्रेट वैरियल के जो रोल था रिस्टोर करने में मराठा एम्पायर को, और सेलिब्रेट किया जा सके उनके वास्ट लीगेसी को. तो सेलिब्रेशन ऑफ शिवा जयंती वॉज सेट बाई ज्योतिराव गोविंद राव फुले ऑल्सो नोन एज महात्मा ज्योतिबा फुले इन 1820. और सेलिब्रेशन जो है शिव जयंती का ये स्टार्ट किया गया था ज्योतिराव गोविंद राव फुले के द्वारा, जिनको हम महात्मा ज्योतिबाई फुले के नाम से भी जानते हैं 1820 पे. शिवाजी महाराज, शिवाजी महाराज वॉज बॉर्न इन 1613 पुणे शिवनेरी फोर्ट. शिवाजी जो महाराज थे इनका जन्म 1630 पे पुणे के शिवनेरी फोर्ट में हुआ था. नेक्स्ट टॉपिक हमारा ट्रेडिंग ऑफ कार्बन क्रेडिट. हम जानेंगे जो बात कही गई है ट्रेडिंग को लेकर कार्बन क्रेडिट के. द यूनियन गवर्नमेंट हैज फाइनलाइज अ लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज टू बी कंसीडर फॉर द ट्रेडिंग ऑफ कार्बन क्रेडिट अंडर आर्टिकल 6.2 मैकेनिज्म ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट. यूनियन गवर्नमेंट ने फाइनलाइज कर दिया है जो लिस्ट है एक्टिविटी का जिसको माना जाएगा ट्रेडिंग ऑफ कार्बन क्रेडिट के लिए आर्टिकल 6.2 मैकेनिज्म के अंतर्गत पेरिस एग्रीमेंट के. इट विल हेल्प फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ एमर्जिंग टेक्नोलॉजी एंड मोबिलाइज इंटरनेशनल फाइनेंस इन इंडिया. ये मदद करेगा फैसिलिटेट करने में ट्रांसफर को एमर्जिंग टेक्नोलॉजी का और मोबिलाइज करने में इंटरनेशनल फाइनेंस को भारत में. प्रीवियसली इन मई 2022 इंडिया हैज ऑल्सो नोटिफाइड द नेशनली डेजिग्नेटेड अथॉरिटी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेरिस एग्रीमेंट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज.
इससे पहले मई 2022 पे भारत को नोटिफाई किया गया था नेशनली डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के तौर पे इम्प्लीमेंटेशन के लिए पेरिस एग्रीमेंट का मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत। ये आप देख सकते हैं जो कार्बन ट्रेडिंग है, द लिस्ट ऑफ एक्टिविटी टू बी कंसीडर फॉर ट्रेडिंग ऑफ कार्बन क्रेडिट अंडर आर्टिकल 6.2 मैकेनिज्म ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट हैज बीन फाइनलाइज बाय इंडिया फॉर नेक्स्ट ईयर। जो कार्बन ट्रेडिंग है इसके अंतर्गत जो लिस्ट है एक्टिविटी का, जिसको माना जाएगा ट्रेडिंग के लिए कार्बन क्रेडिट का, आर्टिकल 6.2 मैकेनिज्म के अंतर्गत पेरिस एग्रीमेंट के, इसको फाइनलाइज कर दिया गया भारत के द्वारा नेक्स्ट ईयर्स के लिए। कार्बन ट्रेडिंग होता क्या है? तो कार्बन ट्रेडिंग इज द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग परमिट एंड क्रेडिट दैट अलाउ द परमिट होल्डर टू एमिट कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन ट्रेडिंग है ये एक प्रोसेस है बाय करने का या सेल करने का, ये परमिट करता है और क्रेडिट करता है, अलाउ करता है परमिट होल्डर को कि वो एमिट कर सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। व्हाट इज आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट? आर्टिकल 6 पेरिस एग्रीमेंट का क्या है? दिस आर्टिकल इनेबल्स पार्टी टू कॉपरेट इन इम्प्लीमेंटेशन देयर एनडीसी कंट्रीब्यूशन टुवर्ड कार्बन ट्रेडिंग। आर्टिकल 6.2 क्रिएट द बेसिस फॉर ट्रेडिंग इन ग्रीन हाउस गैस एमिशन रिडक्शन अक्रॉस कंट्री। ये जो आर्टिकल 6 है ये इनेबल करता है पार्टीज को कि वे एक दूसरे को कॉपरेट करें इंप्लीमेंट करने के लिए एनडीसी नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन के लिए कार्बन ट्रेडिंग को लेके। और आर्टिकल 6.2 जो है ये क्रिएट करता है जो बेसिस है ट्रेडिंग का ग्रीन हाउस गैस के एमिशन रिडक्शन के लिए या मिटिगेशन आउटकम्स को पूरे कंट्रीज के लिए। जो 13 एक्टिविटी है जिसको कि फाइनलाइज किया गया है इसके अंतर्गत, तो ग्रीन हाउस गैस मिटिगेशन एक्टिविटी, अल्टरनेट मटेरियल, रिमूवल एक्टिविटी। तो इसमें क्या क्या आएंगे? तो ग्रीन हाउस गैस मिटिगेशन एक्टिविटी में रिन्यूएबल एनर्जी विथ स्टोरेज, सोलर थर्मल पावर, ऑफशोर विंड, ग्रीन हाइड्रोजन, कंप्रेस बायोगैस, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, टाइडल एनर्जी, हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट ट्रांसमिशन एक्सेट्रा। अल्टरनेट मटेरियल की अगर हम बात करें तो इसमें ग्रीन अमोनिया आएंगे, और रिमूवल एक्टिविटी में कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। नेक्स्ट टॉपिक हमारा विनाइल क्लोराइड। हम जानेंगे विनाइल क्लोराइड के बारे में। विनाइल क्लोराइड द केमिकल इन सेवरल ऑफ द ट्रेन कार्स दैट डिरेल्ड एंड बर्नड इन ओयो कैन ब्रेक हैवॉक ऑन द ह्यूमन लिवर। जो विनाइल क्लोराइड है जो कि केमिकल है जो कि बहुत सारे ट्रेन कार में डिरेल्ड और बंद हो रहे थे ओयो पे, ये एक हैवॉक ला सकता है ह्यूमन लिवर के लिए। विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड इज ए कलरलेस गैस दैट बर्न इजली, इट डज नॉट ऑकर नेचुरली एंड मस्ट बी प्रोड्यूस इंडस्ट्रियली फॉर इज कमर्शियल यूज। विनाइल क्लोराइड जो है ये आपका एक कलरलेस गैस होता है जो कि आसानी से जल जाता है, ये जो है नेचुरली ऑकर नहीं करता है, इसको प्रोड्यूस किया जाता है इंडस्ट्रियल पे कमर्शियल यूज के लिए। विनाइल क्लोराइड इज यूज प्राइमरली टू मेक पॉलीविनाइल क्लोराइड, अ हार्ड प्लास्टिक रेजिन यूज टू मेक वेराइटी ऑफ प्लास्टिक प्रोडक्ट इंक्लूडिंग पाइप्स, वायर्स एंड केबल कोटिंग एंड पैकेजिंग मटेरियल। जो विनाइल क्लोराइड है इसका मेन काम जो है तैयार करना पॉलीविनाइल क्लोराइड को है, जो कि एक हार्ड प्लास्टिक है जो रेजिन करता है, वेराइटी ऑफ प्लास्टिक बनाने में मदद करता है, जैसे कि पाइप हो गया, वायर हो गया, केबल कोटिंग हो गया, पैकेजिंग मटेरियल हो गया। इट हेल्प रिच वर्ल्ड डिस्कवर इन 1970s व्हेन 4 वर्कर इन्वॉल्व इन द पॉलीमराइजेशन प्रोसेस फॉर प्रोड्यूसिंग पॉलीविनाइल क्लोराइड देयर इच डेवलप एंजियोस्पर्मा ऑफ द लीवर एंड एक्सट्रीमली रेयर टाइप ऑफ ट्यूमर। इसका जो हेल्थ रिस्क था इसको डिस्कवर किया गया था 1920 के टाइम पे ही, जब जो 4 वर्कर थे जो कि इन्वॉल्व थे पॉलीमराइजेशन प्रोसेस में जो प्रोड्यूस करते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड को, तो हर एक जो वर्कर थे उसमें डेवलप्ड हुआ था एंजियोस्पर्मा लीवर का, जो कि एक एक्सट्रीमली रेयर टाइप होता है ट्यूमर का। विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड वाज ए कॉमन इंग्रेडिएंट यूज इन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, रेफ्रिजरेटर एंड हाउसहोल्ड एरोसोल इन द यूनाइटेड स्टेट। इट इज ऑल्सो यूज टू मेक पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो विनाइल क्लोराइड है ये एक कॉमन इंग्रेडिएंट है जिसका उपयोग होता है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में, रेफ्रिजरेंट पे, हाउसहोल्ड एरोसोल पे यूनाइटेड स्टेट में, और इसका उपयोग किया जाता है पॉलीविनाइल क्लोराइड को तैयार करने पे भी। कहां पे ये पाया जाता है? तो विनाइल क्लोराइड कैन बी फाउंड नियर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, हैजल्डस वेस्ट साइट एंड लैंडफिल्स। ट्रेसेस ऑफ विनाइल क्लोराइड कैन बी फाउंड इन प्रोडक्ट दैट आर मेड यूजिंग पीवीसी। तो विनाइल क्लोराइड है इसको आप पा सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के पास, हैजल्डस वेस्ट साइट या लैंडफिल के पास। जो ट्रेसेस है विनाइल क्लोराइड के ये आपको मिल सकते हैं जहां पर प्रोडक्ट जो पीवीसी का बनता है वहां पे भी। साइंस की अगर इसके पीछे की हम बात करें तो विनाइल क्लोराइड बिकम क्लासिफाइड एज ए ह्यूमन कार्सिनोजेन आफ्टर वेरियस स्टडी डिमॉन्स्ट्रेटेड टॉक्सिक इफेक्ट इन ह्यूमन एंड एनिमल। जो विनाइल क्लोराइड है ये इसको क्लासिफाई किया गया है ह्यूमन के लिए कार्सिनोजेन के तौर पे, क्योंकि जो स्टडी किया गया है ये दर्शाता है कि जो टॉक्सिक इफेक्ट है इसका ह्यूमन और एनिमल के ऊपर बहुत बुरा है। लिमिट किया गया है जो उपयोग है पीवीसी प्लास्टिक कंटेनर का, फूड पैकेजिंग का, क्योंकि इसमें ट्रेसेस होता है विनाइल क्लोराइड का, और जो इंडस्ट्रियल वर्कर जो कि क्लोज कॉन्टेक्ट में होते हैं विनाइल क्लोराइड के उनको रेस्पिरेटरी या प्रॉब्लम हो सकता है, इस कारण उनको वियर करना पड़ता है प्रोटेक्टिव क्लोथिंग को ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो फ्यूचर पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडिया फर्स्ट हाइब्रिड रॉकेट।
तो इंडिया का जो पहला हाइब्रिड रॉकेट है इसके बारे में हम जानेंगे। रिसेंटली इंडिया फर्स्ट हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट बाय प्राइवेट प्लेयर वाज लॉन्च फ्रॉम तमिलनाडु पट्टीपुलम। अभी हाल ही में इंडिया का पहला जो हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट था प्राइवेट प्लेयर्स के द्वारा, इसको लॉन्च किया गया था तमिलनाडु के पट्टीपुलम से। इस मिशन के बारे में हम जान लें। मार्टिन फाउंडेशन इन एसोसिएशन विद डॉक्टर अब्दुल कलाम इंटरनेशनल फाउंडेशन एंड स्पेस जोन इंडिया लॉन्च द डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023। जो मार्टिन फाउंडेशन है उसने मिलकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इंटरनेशनल फाउंडेशन एंड स्पेस जोन इंडिया के साथ लॉन्च किया है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन को 2023 पे। सिलेक्टेड स्टूडेंट डिजाइन एंड कंस्ट्रक्टेड आई स्टूडेंट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एंड 150 पीको सैटेलाइट रिसर्च एक्सपेरिमेंट क्यूब दैट कंटेन डिफरेंट पेलोड। और जो सिलेक्टेड स्टूडेंट है उन्होंने डिजाइन किया और कंस्ट्रक्ट किया एक स्टूडेंट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को और 150 पीको सैटेलाइट रिसर्च एक्सपेरिमेंट क्यूब को जो कि कंटेन कर रहे थे अलग अलग पेलोड को। द रियूजेबल रॉकेट वाज मेड बाय द सिलेक्टेड टॉप 100 स्टूडेंट व्हाइल द रेस्ट मेड द सैटेलाइट। द रॉकेट कैन बी यूज फॉर रिसर्च इन वेदर एटमोस्फेरिक कंडीशन एंड रेडिएशन। जो रियूजेबल रॉकेट था इसको तैयार किया गया था सिलेक्टेड टॉप 100 स्टूडेंट के द्वारा, जबकि जो बाकी थे उन सबने मिलकर सैटेलाइट बनाया। ये जो रॉकेट है इसको उपयोग किया जाएगा रिसर्च के लिए वेदर एटमोस्फेरिक कंडीशन और रेडिएशन का। हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट के बारे में भी हम जान लें। अ हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट इज ए टाइप ऑफ रॉकेट दैट यूज अ हाइब्रिड रॉकेट इंजन टू पावर इट्स फ्लाइट। जो हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट है ये एक टाइप है रॉकेट का जो कि उपयोग करता है हाइब्रिड रॉकेट इंजन का पावर करने के लिए अपने फ्लाइट को। अ हाइब्रिड रॉकेट इंजन यूज ए सॉलिड फ्यूल ग्रेन एंड ए लिक्विड और गैसियस ऑक्सीडाइजर टू जनरेट थ्रस्ट। जो हाइब्रिड रॉकेट इंजन होता है वो उपयोग करता है सॉलिड फ्यूल ग्रेन का और लिक्विड और गैसियस ऑक्सीडाइजर का जनरेट करने के लिए थ्रस्ट को। हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट आर ऑफन यूज बाय यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट एजेंसी एंड प्राइवेट कंपनी फॉर साइंटिफिक रिसर्च एंड टेस्टिंग ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी बिकॉज ऑफ देयर लो कॉस्ट। और जो हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट होता है इसका बहुत बार उपयोग किया जाता है यूनिवर्सिटी के द्वारा, गवर्नमेंट एजेंसी के द्वारा या प्राइवेट कंपनी के द्वारा साइंटिफिक रिसर्च के लिए या टेस्ट करने के लिए न्यू टेक्नोलॉजी को, क्योंकि इसका जो कॉस्ट होता है वो काफी कम होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मेल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। तो हम जानेंगे मेल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के बारे में। जो रिसर्चर है आपके वेल कॉर्नेल मेडिसिन यूएस के, उन्होंने क्रिएट किया है एक एक्सपेरिमेंटल कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग कैंडिडेट को जो कि टेम्पोरली स्टॉप कर देता है स्पर्म को और ट्रैक करता है रोकता है प्रेगनेंसी को प्री क्लिनिकल मॉडल के दौरान। मोर जो ये इस एक्सपेरिमेंट है उसके बारे में थोड़ा और हम डिटेल्स में जान ले। इसको कंडक्ट किया गया है चूहों के ऊपर जहां पे जो सिंगल डोज था सेलुलर सिग्नलिंग प्रोटीन का जिसकी जो कि सोलूबल है एडिनाइल साइलेज एसएसी इनहिबिटर के तौर पे, जिसको कहा गया है TDI-11861। इसको पाया गया है कि ये इमोबिलाइज कर रहा है स्पर्म को अप टू 2.5 आवर्स तक और इसका जो इफेक्ट है ये परसिस्ट करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक पे मेटिंग के दौरान। 3 आवर्स के बाद कुछ जो स्पर्म है वो रिगेन करते हैं मोर्टिलिटी को और 24 आवर्स के बाद जो सारे स्पर्म है वो रिकवर हो जाते हैं नॉर्मल मूवमेंट के लिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रोडोडेंड्रोन। एज पर रिसेंट बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया पब्लिकेशन दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालय आर होम टू मोर देन 1/3 ऑफ ऑल टाइप ऑफ रोडोडेंड्रोन फाउंड इन इंडिया। जो एक रिसेंट बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का पब्लिकेशन है उसके अनुसार जो दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय है वो आपका घर है मोर देन 1/3 सारे टाइप ऑफ रोडोडेंड्रोन के लिए जो कि पाए जाते हैं भारत में। तो रोडोडेंड्रोन के बारे में हम जान लें। तो रोडोडेंड्रोन का मतलब होता है रोज ट्री ग्रीक में। इनका क्या इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है? इट इज कंसिडर एज इंडिकेटर स्पीसीज फॉर क्लाइमेट चेंज। ये माना जाता है कि ये इंडिकेटर स्पीसीज है क्लाइमेट चेंज के लिए। नेचर एवरग्रीन टू डेसिडियस इन नेचर। ये एवरग्रीन से डेसिडियस होते हैं नेचर पे, यानी ये ड्वार्फ सबसे लास्ट क्रिटक हो सकते हैं। खतरा इनके लिए क्या है? तो रैम्पेंट कंस्ट्रक्शन, जो बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन हो रहा है ये इनके लिए सबसे बड़ा थ्रेट है। हैबिटेट की अगर हम बात करें तो कोल्ड मॉइस्ट डीप वैली ऑफ द ईस्टर्न वैली जो है हिमालय का, ये इसके लिए सुटेबल हैबिटेट है। स्टेट ट्री ऑफ उत्तराखंड एंड स्टेट फ्लावर ऑफ नागालैंड। ये स्टेट ट्री है आपका उत्तराखंड का और स्टेट फ्लावर है नागालैंड का। इट इज ब्लूमिंग इन द गढ़वाल हिमालय एंड इज सेलिब्रेटेड एज फुल संक्रांति अ फेस्टिवल ऑफ फ्लावर। ये ब्लूम करता है आपका गढ़वाल हिमालय पे और इसको सेलिब्रेट किया जाता है फुल संक्रांति के तौर पे, एक फेस्टिवल ऑफ फ्लावर के लिए तौर पे। इट इज नेटिव टू मेनी रीजन ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग एशिया यूरोप नॉर्थ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। और ये नेटिव है बहुत सारे रीजन में ये पाया जाता है वर्ल्ड का, जिसमें एशिया यूरोप नॉर्थ अमेरिका ऑस्ट्रेलिया सब आते हैं। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दिस आर आवर सोशल मीडिया लिंक। फ्रॉम हियर ऑल्सो यू कैन स्टे कनेक्टेड विद अस एंड गिव अस योर वैल्युएबल फीडबैक। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।